सेकंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएस स्टडी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 सिंपलीफिकेशन। तो सिंपलीफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑफ इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, इनको हम बोलते हैं जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैं, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, और इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जो भी एक्सप्रेशंस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। जैसे एग्जांपल्स में आपको दे रखा है 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6। सेकेंड आपका 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसमें जो हमने ऑपरेशंस यूज़ किए हैं कि इनको यूज़ करके जो भी हम एक्सप्रेशन बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन एन एक्सप्रेशन मीन्स जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन में कोई भी ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड को ऑपरेट करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन इज कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, क्योंकि जैसे जैसे हम इन ऑपरेशन को यूज़ करते जाते हैं हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल यानी कि सिंपल होता जाता है, तभी हम उसको याद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। बट इन ऑपरेशन्स को हमें एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में ही सॉल्व करना होता है। In order to get a unique value of the given expression, we have to perform the operations strictly in a definite order given below. ठीक है, अगर हमें किसी भी expression में ये चारों operations given हैं तो उन चारों operation में सबसे पहला operation जो हमें solve करना है वो क्या है, division. Division के बाद multiplication, multiplication के बाद addition और addition के बाद subtraction. ठीक है, ये आपका sequence है, इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जो आएगी जो सिंपलीफाई करके हम लेकर आएंगे वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो वी मस्ट फॉलो दिस ऑर्डर, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड एडिशन एंड द लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक यहाँ पे वर्ड बनाया गया है, द वर्ड डी मास। डी मास मीन्स डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डी मास से आपको इसका जो सीक्वेंस है जो ऑर्डर है वो याद रहेगा, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द डी मास। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड फिर हम एक्सरसाइज 15 के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपको सिंपलीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें देखिए आपको दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, डिवाइड एंड प्लस। तो डिवाइड एंड प्लस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवीजन ही सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं, डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 12 और प्लस एज इट इज़ रहेंगे बिकॉज इनमें अभी कोई चेंजेस नहीं करना है। डिवाइड का साइन किन के बीच में है, 9 और 3 के बीच में, तो 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिवाइड सिंप्लीफाइड बिकॉज हमने यहाँ पे डिवीजन को कंप्लीट कर दिया है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे 12 प्लस 3 मीन्स 15 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, प्लस सिंप्लीफाइड। ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है बट आप लोगों के लिए मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमने किस स्टेप में किसको सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बिकॉज इससे आगे यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है,
मीन्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे फिनिश हो गया है, तो आपका इसका जो सॉल्यूशन आया वो है 15। सेकेंड है इसमें आपका 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16 मल्टीप्लाई 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम डिवाइड सिंप्लीफाइड, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे डिवाइड को सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके बाद 16 इंटू 2 है, दैट इज 16 टू ज़ा 32, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड। तो इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो है 32। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 23 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें आपको दो साइन दे रखे हैं, माइनस एंड मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई वाला साइन सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा आपको 23 माइनस 8 टू जब 16, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाइड कर दिया है। उसके बाद 23 माइनस 16 है, इट मीन्स 23 माइनस 16 करेंगे तो 7 आएगा। इस वाले स्टेप में हमने माइनस को सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आया वो है 7। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन, 32 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4 चारों ऑपरेशन है इसमें। सबसे पहले कौन सा करेंगे हम यहाँ पे, डिवाइड। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2, एंड ब्रैकेट में लिख देंगे डिवाइड सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, इट मींस 4 प्लस 4 सिक्स 24 माइनस 2, ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड। अब आपके पास बचे हैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस, तो पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। तो 24 और 4 जो है दोनों प्लस के साइन में है, बिकॉज इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है। हो जाएगा 28 माइनस 2, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस सिंप्लीफाइड, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में हो जाएगा 28 माइनस 2 करेंगे तो 26, एंड ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन का जो आंसर आया वो आ गया 26। फिफ्थ क्वेश्चन है 100 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। इस स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 9 जो 72 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम डिवाइड सिंप्लीफाइड। नाउ 100 माइनस 9 प्लस 4 थ्री ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड। नेक्स्ट स्टेप में अब देखो यहाँ पर 100 एंड 12 ये दोनों प्लस के साइन में है, 9 के आगे माइनस का साइन है, तो 112 माइनस 9 यहाँ लिख देंगे प्लस सिंप्लीफाइड। नाउ 112 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 103, और यहाँ लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की जो सॉल्यूशन आया वो निकल के वो कितना है 103। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, 30 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस 18। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड 30 प्लस 15 फाइव ज़ा 75 मल्टीप्लाई 4 माइनस 18। डिवाइड सिंप्लीफाइड किया हमने इस यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट स्टेप में 30 प्लस 5 फोर ज़ा
20 minus 18 multiply simplified. नेक्स्ट स्टेप में 30 एंड 20 दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 50 माइनस 18 प्लस सिंप्लीफाइड. उसके बाद 50 में से माइनस करेंगे 18 को तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से बन जाएगा 3, 32 आ गया है ना. यहाँ अब हमने किया है माइनस को सिंप्लीफाई तो माइनस सिंप्लीफाइड. ठीक है तो 6 का जो सॉल्यूशन आया वो है 32. नाउ सी द सेवेंथ पार्ट. 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 18. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 इंटू 6 प्लस 6 4 जो 24 तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 18. यहाँ लिख देंगे डिवाइड सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 8 6 48 प्लस 4 माइनस 18 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड. ठीक है नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका प्लस वाला तो 48 एंड 4 52 माइनस 18 प्लस सिंप्लीफाइड. एंड नाउ 52 में से 18 को माइनस करना था 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 मीन्स 32 आ गया यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड. तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन आया है वो है 34. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 56 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7. तो सबसे पहले इसमें हमें डिवाइड ही सॉल्व करना है तो 56 माइनस 4 9 जा 36 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7. यहाँ पे आ गया आपका डिवाइड सिंप्लीफाइड. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा मल्टीप्लाई वाला यानी कि 56 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 7 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड. नाउ प्लस करना है तो प्लस करने के लिए देखिए 18 के आगे माइनस का साइन है 56 एंड 7 प्लस में. ठीक है तो 6 और 7 13 1 कैरी गया 6 माइनस 18 प्लस सिंप्लीफाइड. अब 63 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5 एंड 5 में से बन जाएगा 4. 45 आ गया यहाँ पे लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड. ठीक है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. 56 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1. अब यहाँ पे देखिए दो बार डिवाइड है तो इन दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 14 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है 4 टाइम में. मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 टू जर 10 प्लस 1. यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड सिंप्लीफाइड. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जर 12 माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड. उसके बाद एडिशन करना है यानी कि 12 प्लस 1 13 माइनस 2 प्लस सिंप्लीफाइड. नाउ 13 माइनस 2 11 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस सिंप्लीफाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 198 माइनस 42 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6. तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इसमें हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे 5 3 जो 15 प्लस 6 डिवाइड सिंप्लीफाइड.
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 माइनस 3 टू जा 6, 3 फोर जा 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड, अब प्लस का करेंगे तो 126 जो है वो माइनस का है, तो 198 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 और 6 14, 1 कैरी क्या 10 का 0, 1 कैरी क्या 2, 24 माइनस 126 प्लस सिंप्लीफाइड, नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 204 माइनस 126, तो 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7 एंड 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इज 105 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 माइनस 1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, 105 मल्टीप्लाई 7 टू जा 14 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड सिंप्लीफाइड, उसके बाद 105 इंटू 2 करेंगे तो 210 प्लस 6 माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड, उसके बाद 210 प्लस 6 216 माइनस 1 प्लस सिंप्लीफाइड। हर एक स्टेप में इसलिए मैं आपको लिख के दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने कौन से स्टेप में कौन सा सॉल्व किया। 216 माइनस 1 करेंगे तो 215, यहाँ लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड, तो इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 215। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 12 17 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें डिवाइड सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 17 टू जो 34 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड सिंप्लीफाइड, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यानी कि 17 प्लस 2 5 जो 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई सिंप्लीफाइड, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका प्लस वाला, यानी कि 17 प्लस 10 इट इज 27 माइनस 20 प्लस सिंप्लीफाइड, एंड नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 27 माइनस 20 दैट इज 7, यहाँ लिख देंगे माइनस सिंप्लीफाइड, तो इस एक्सप्रेशन का जो आपका सॉल्यूशन आया है वो आया है 7, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहीं पर फिनिश होती है, इसको आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से कर लेना है, और अगर समझ में नहीं आएगा कुछ भी इसमें तो आप व्हाट्सएप पे मैथ्स ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बट इस वर्क को आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।